showering praises on the youngest party president Amit Shah. Friends and acquaintances of the new face of BJP lauded the efforts of Shah in Uttar Pradesh. Amit Shah, Prime Minister Narendra Modi's man Friday, and party's key election strategist who crafted an unprecedented victory in Uttar Pradesh, was yesterday rewarded by the party with bigger role and higher responsibility. Let's meet those people who have seen a budding potential grow into the popular face in Gujarat politics, only to represent the saffron cadre at the national level. Let's meet those people who have seen a budding potential grow into the popular face in Gujarat politics, only to represent the saffron cadre at the national level. Here is what Shah's childhood friends and classmates have to say about their young BJP president. हाँ, मैं बचपन में भी उनको देखता था कि वो जिस क्लास में पढ़ते, जिस क्लास में वो स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ भी उनके साथ जो लड़के पढ़ रहे थे उनमें भी उनकी कंपटीशन होती थी कि अमित भाई का पहला नंबर था, एक दूसरे लड़के का दूसरा नंबर था, तो पढ़ने में भी उनके उनकी कंपटीशन होती थी, कभी वो दूसरे लड़के का पहला नंबर भी आ जाता था। तो अमित भाई की शुरू से ही लीडरशिप की वहीं से दिखता था। वो उन्होंने जब वो नवगुजरात कॉलेज में पढ़ते थे तो उसी टाइम वो स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट लेते थे, और उन्हीं दिनों में जब एबीवीपी इतनी पॉपुलर नहीं हुआ करती थी, तो उन दिनों में उन्होंने एबीवीपी में काम करना शुरू किया और स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को, सबको मालूम है कि एबीवीपी को बीजेपी के साथ उनकी रिलेशनशिप है, तो उनके जो संस्कार थे वो वहीं एबीवीपी से ही शुरू हुए और वहाँ से अपनी कारकिर्दी शुरू की। फिर वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में इंटरेस्ट लेने लगे और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जाने के बाद धीरे 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 वो फिर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश समिति तक वो पहुँचे। वो बात इस तरह से कि जब मोदी जी CM बने, मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने होम मिनिस्ट्री का सबसे अहम माने जाने वाला पोर्टफोलियो दिया। वैसे आप थोड़े और पास्ट में जाइए तो सालों से वो मोदी जी के साथ जुड़े हुए थे, मोदी जी का बहुत विश्वास वो आदमी माना जाने वाला जाते थे, और जब उसको होम मिनिस्ट्री दी गई तब से यह भी प्रूव हो गया कि उसके ऊपर सबसे ज़्यादा विश्वास है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री के लिए बहुत लोगों ने ट्राई की थी मगर मिला आखिर में अमित शाह को और वो आखिर तक उसके हाथ में रहा। तो मोदी जी के साथ वो स्ट्रेटेजी मेकर के हिसाब से गुजरात का भाजपा का संगठन और सरकार दोनों में अपनी जगह उन्होंने अच्छी तरह से बनाई रखी। जैसे अमित भाई हैं, उत्तर प्रदेश में इतनी मतलब खराब स्थिति भारतीय जनता पार्टी की थी, उसके बावजूद भी उन्होंने कार्यकर्ताओं को इस प्रकार मोटिवेशन किया कि शायद भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में पहली बार लोकसभा में इतनी सीटें आए। तो ये अमित भाई हैं, वो एक तो संगठन कुशल करता है, परिश्रमी है, और उनको जो भी काम देते हैं वो पूरे परिश्रम और समर्पण भाव से वो कार्य में जुट जाते हैं। मतलब कि एक कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए, समर्पण भाव से पार्टी को अपने माँ समान मान के उसके हित में कैसे काम करना, वो अमित भाई अच्छी तरह करते हैं। तो इसके कारण मुझे लगता है कि ये अच्छा रहेगा पार्टी के हित में। जब वे छोटे थे तब से हमारे घर पर आते रहते थे, लेकिन उनके बारे में मैं भी सोच रहा हूँ कि एक आदमी, छोटा सा आदमी, इतना स्थान पर, इतने ऊंचे स्थान पर पहुँच गया, इसमें उनकी ताकत, उनकी शक्ति, उनकी निष्ठा, यह देखना जरूरी है। कोई भी आदमी जो महान बनता है, आगे बढ़ता है, इसके पीछे अपनी ताकत कार्य करती है। मैं मानता हूँ कि जब छोटे थे तब नरेंद्र भाई उनके घर पर जाते थे, भोजन करते थे, बातचीत करते रहते थे, और अमित शाह उसी समय पर भी एक कार्यकर्ता था, सामान्य कार्यकर्ता था, लेकिन नरेंद्र भाई ने पहचान लिया था कि इस कार्यक्रम में ताकत है, शक्ति है, इसलिए वे बार बार नरेंद्र मोदी को मिलते रहते थे, और संगठन का भी यह अमित शाह कार्य करते थे। पावर्ड बाय NNIS।